हेलो दोस्तों, बॉस ऑफिनियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम जानेंगे आईपीओ से रिलेटेड कुछ बातें, जैसे कि पिछले कई दिनों से और आज की डेट में दो आईपीओ आए हैं। ओके, कल की डेट में भी एक आईपीओ आने वाला है, उससे रिलेटेड एज वेल एज उनके कंपैरिजन कि कौन सा आईपीओ अच्छा रहेगा और क्या इस माहौल में अच्छा रहेगा, क्योंकि आप जैसे कि आपको ने देखा है कि मार्केट बहुत बुरी तरह से क्रैश हुई है। ओके, उसके पीछे की वजह क्या है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो पूरा एंड तक देखेंगे तो सारा कंक्लूजन एज वेल एज हमें आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, वो सारी वजह से रिलेटेड हम सारी रीजन से रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं। तो आइए इस वीडियो पे चलते हैं, बट उससे पहले चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपके सामने पेश होती रहे। तो आइए वीडियो आपको अब हम पहले जान लेते हैं कि आज मार्केट क्रैश क्यों हुई थी। तो जैसे कि आपको आप देख रहे हैं, आज के दिन में ही लगभग 800 पॉइंट तो सेंसेक्स गिरा है, और बहुत बुरा मतलब 8,300 के नीचे ये अपना निफ्टी 50 भी आया है। जैसे कि आप सामने देख रहे हैं, केवल TCS, इन्फोसिस और कोटेक बैंक, ओके, इन्हें छोड़ के जितने भी शेयर्स हैं सारे के सारे बड़े बड़े शेयर्स आपको लाल निशान में ही दिखाई दे रहे हैं। ओके, इसके पीछे की वजह ये है कि जैसे ही सेकेंड हाफ में जैसे ही मार्केट ओपन जैसे ही ग्लोबल मार्केट ओपन हुई, यूरोप की मार्केट ओपन हुई, तो ये सारे का सारे शेयर क्रैश हो गए, क्योंकि वहाँ पर बिकवाली शुरू हो गई, वहाँ पर लोग बियरिश हो गए। इसके पीछे की वजह दो वजह है। पहली वजह है बैंक, जैसे कि आप देख रहे हैं बैंक के शेयर्स, ओके, ये कितने जोर से गिरे हुए। तो बैंकों के पीछे की वजह ये है कि बैंक के शेयर क्यों गिरे हैं। तो जैसे कि आपको पता है HSBC एक नाम सुना होगा, JP Morgan बैंक का नाम सुना होगा, ओके, डच बैंक का नाम सुना होगा। तो ये काफ़ी बड़े बैंक है और फॉरेन बैंक है, और आपको बताना चाहता हूँ कि इनमें 2 ट्रिलियन डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है पिछले काफ़ी सालों से। ओके, और इस वजह से हमारा जो ये मार्केट है, ओके, फॉर यूरोप और ये बड़े बड़े जो मार्केट है, क्योंकि HSBC बैंक हांगकांग बैंक का बैंक है, एज वेल एज चाइना भी उस पर उसे उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगाने वाला है कुछ। तो ऐसी न्यूज़ के चलते हुए बैंक के स्टॉक क्रैश हुए, मार्केट क्रैश हुई, एज वेल एज दूसरी बात ये है कि COVID-19 2.0 शुरू हो गया है यूरोप में। तो अभी तक यूरोप में सब कुछ ओपन धीरे धीरे ओपन हो रहा था, तो अब हुआ क्या है कि वहाँ पर दोबारा कोविड शुरू हो गया है। ओके, ऐसा बताया जा रहा है कि इंग्लैंड एंड ब्रिटेन और दूसरी डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में, बहुत सारी कंट्रीज में अब लॉकडाउन दोबारा लगाए जा रहे हैं उनकी कंट्रीज में। तो इससे रिलेटेड न्यूज़ आती साथ, कोविड से रिलेटेड न्यूज़ आती साथ, तो ये सारा का सारा खेल हो गया और मार्केट बहुत बुरी तरह क्रैश हो गई। तो आगे भी ये कंटिन्यू रहेगा या नहीं रहेगा, तो इसका इम्पैक्ट हमारे मार्केट पे कैसा पड़ेगा, आईपीओ से रिलेटेड क्या पड़ेगा, तो आइए उससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको पहले बताना चाहता हूँ, आज के दिन एक आईपीओ आया था, ओके, जो कि रूट मोबाइल आईपीओ है, हैप्पीएस्ट माइंड इससे पहले आया था, जिसने 135% का प्रीमियम दिया था, और आज की डेट में आया था रूट मोबाइल का, जिसने बहुत बेहतरीन परसेंट का मतलब 105% का प्रीमियम दिया है। तो मतलब 300 कुछ रुपए का ये शेयर, 350 रुपीज़ का ये शेयर था, जो कि 700 से ऊपर ही ओपन हुआ है। तो काफ़ी दुगना मतलब आपके पैसे को उसने दुगना कर दिया, और अच्छी तरीके से लिस्ट हुआ है। तो इस वजह से अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी ये, क्योंकि मॉर्निंग में ही ओपन हो गया था। बट अब तीन आईपीओ आने वाले हैं, ओके, तीन आईपीओ, जैसे कि दो आईपीओ आज की डेट में ही लिस्ट हुए हैं। एक तो कैमकन स्पेशलिटी केमिकल, जिसके रिलेटेड कल वीडियो मैंने बनाई थी, देख लीजिएगा, और कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस, जो कि परसों वीडियो बनाई थी, उसे देख लीजिएगा, और एंजल ब्रोकिंग, ओके, इससे रिलेटेड हम आज बातें करने वाले हैं थोड़ी बहुत। तो ये तीन, ये कल की डेट में आने वाला है एंजल ब्रोकिंग, तो इससे रिलेटेड हम बातें करने वाले हैं, क्या हमारा डिसीजन सही रहेगा, क्या हमने अप्लाई किया है, क्या नहीं किया है, तो आइए देखते हैं। तो पहले तो बताना चाहता हूँ आपको कैमकॉन स्पेशलिटी, तो जो ये आईपीओ है, आज के दिन में ही लगभग 5.2 टाइम्स, ओके, एंड रिटेल पोर्शन में 10 टाइम्स, जो कि 35% इनके रिटेल पोर्शन रखा गया था, तो 10 टाइम्स उसका भी ओवर सब्सक्राइब हो गया है। तो ये पूरा का पूरा फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है, ये कह सकते हैं हम। तो आपको बताना चाहता हूँ, काफ़ी बेहतरीन आईपीओ है, स्पेशलिटी केमिकल से आईपीओ है, और चाइना से हमारा जो राइवल हो, जो राइवलरी जो हमारी फाइटिंग चल रही है, ओके, अभी कोल्ड वॉर चल रहा है, तो इससे रिलेटेड हमें
ये एक जो कंपनी है स्पेशल केमिकल्स बनाती है, इससे फ़ायदा होने वाला है। गवर्नमेंट इन कंपनियों को काफ़ी प्रोत्साहन भी दे रही है, एज वेल एज दूसरी कंट्रीज़ इसकी हमारे इंडिया की तरफ आ रही है, इन सभी चीज़ों से रिलेटेड आने वाली है। तो इसलिए ये काफ़ी अच्छा IPO आपको प्रतीत हो रहा है। ओके, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। ओके, और जैसे कि आजकल चल ही रहा है, फार्मा की इंडस्ट्री चल रही है, केमिकल्स चल रहे हैं, तो अगर कुछ मार्केट में जैसे कि आज गिरा है मार्केट, और बिटवीन ये 10 to 15 days, अगर ये 10 days के अंदर अंदर भी अगर मार्केट बुरी तरह गिरता भी है, तो इस IPO में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट शायद हो जाए, लिस्टिंग गेन भी हो जाए। ओके, 10 days का टाइम है, तो इसमें आपको पॉजिटिविटी दिखाई देती है, तो नो डाउट। बट हम दूसरे IPO की तरफ चलेंगे। दूसरा IPO है कैम्स का IPO, जो कि आज के दिन ही हुआ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ। ओके, और हमें करना चाहिए नहीं, इससे रिलेटेड बात कर लेते हैं। तो बताना चाहता हूँ कि ये कैंप्स का IPO, ये एक्चुअली IPO ना होके OFS है, और OFS है, देखो जरूरत तो नहीं थी IPO लाने की। ओके, क्योंकि NSE है, NSE और इसके जो दूसरे शेयर होल्डर्स हैं वो चाहते थे कि IPO आए, वो अपने पोर्शन को सेल कर दे। ओके, तो इसे लाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी ये आया। IPO से रिलेटेड बात करना चाहता हूँ, तो ये IPO है जो कैंप्स का IPO है, काफ़ी बेहतरीन IPO है, नो डाउट। ओके, बट ये इतना अभी ओवर सब्सक्राइब नहीं हुआ, जैसे कि कैम ये जितना का सब्सक्राइब हो गया, लगभग 5 गुना सब्सक्राइब हो गया, बट ये नहीं हुआ, ये 50% भी सब्सक्राइब नहीं हुआ, जो फुल्ली सब्सक्राइब के हाफ सब्सक्राइब हुआ है। तो बताना चाहता हूँ IPO बेहतरीन है, बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है। ओके, बट जिस इंडस्ट्री में ये काम करता है वो इंडस्ट्री ही अभी नीचे की तरफ जा रही है, जैसे कि, बट ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। आपको बताना चाहता हूँ कि ये म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मोस्टली काम करती है, तो म्यूचुअल फंड ही आज की डेट में डाउन चल रहे हैं, कोई भी म्यूचुअल फंड में अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहा है, सब के सब पीछे जा रहे हैं, पीछे अपना बैक स्टेप ले रहे हैं। तो अभी ये आगे नहीं, बट फ्यूचर में म्यूचुअल फंड बहुत तेज़ भागने वाला है, एट दैट टाइम ये कंपनी भी बहुत तेज़ भागेगी, और ये कंपनी आपको लिस्टिंग गेन दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती। ओके, ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम बहुत कम चल रहा है, उससे रिलेटेड भी हम बातें करने वाले हैं। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर आप इसे अभी भी अभी ना करें, इस IPO में आप पार्टिसिपेट ना करें, तो भी ठीक रहेगा। बट केमिकल, ये कैमिकल स्पेशलिटी केमिकल्स, इसमें अगर आप कर लेंगे तो कोई घाटा नहीं है, इसमें तो आपको लिस्टिंग गेन मोस्ट प्रोबेबली मिल ही जाएगा। बट इसमें अगर लिस्टिंग गेन मिल भी गया तो ये काफ़ी नीचे आ जाएगा। ओके, और इसमें चांसेस बहुत कम है, क्योंकि जिस तरीके की मार्केट चल रही है, जिस तरीके के केसेस अब सामने आ रहे हैं, और ऐसा आ रहा है कि कोविड का दूसरा सीजन शुरू होने वाला है, तो अगर आप अभी इसमें अगर आप ना करें तो बेहतर रहेगा। बाकी आपकी मर्जी है, आप जा सकते हैं, बट मेरा व्यू ये है कि इसमें करना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि अगर कर भी दिया, लिस्टिंग गेन मिल गया तो अच्छी बात है, और नहीं मिला तो ये नीचे सब्सक्राइब होगा, फ्यूचर फिर आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना पड़ेगा, बहुत अच्छा है। ओके, आगे चल के फ्यूचर है, 1-2 साल के में अगर ये नीचे लिस्ट भी हुआ तो काफ़ी तरीके से आपको 2 साल बाद तो अच्छे रिटर्न ये देगा ही देगा। बिजनेस मॉडल यूनिक है, बहुत अच्छा शेयर है। तो बट इससे रिलेटेड ऑलरेडी बता दिया है, जो मैं जिससे रिलेटेड ये काम करता है वो अभी चल नहीं रहा है, जैसे कि म्यूचुअल फंड और AMC। AMC के आप शेयर्स देखेंगे, HDFC, AMC या निपॉन लाइफ, तो आपको पता चलेगी कि उनके शेयर नीचे गिरते जा रहे हैं। तो इसलिए ये इसमें इन्वेस्ट करना कुछ समझदारी की बात होगी नहीं। तो आइए तीसरे हमारे बात कर लेते हैं एंजल ब्रोकिंग की। एंजल ब्रोकिंग, जैसे कि आपको पता ही है कि एंजल ब्रोकिंग बहुत अच्छा ब्रोकिंग फर्म है। ओके, हम करते क्या है, इसमें अकाउंट ओपन कराते हैं, ट्रेडिंग करते हैं। ओके, इसके थ्रू बहुत सारे हम इसी के इन्हीं ब्रोकर्स के थ्रू अपने शेयर्स NSE या BSE में लेते हैं, आपको जैसे कि पता है। तो लगभग 600 करोड़ रुपए का ये आ रहा है IPO, जिसमें 300 करोड़ रुपए, मतलब हाफ ऑफ कह सकते हैं, OFS हाफ हाफ है IPO। तो इनका जो IPO है, ओके, कल को आएगा, 24 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। 305 से 306 रुपये का इसका प्राइस बैंड इनको फिक्स किया है। ओके, 13 लॉट्स तक आप मैक्सिमम ले सकते हो, 49 शेयर्स का एक लॉट होगा, जो कि 49.45 का होगा। ओके, एज वेल एज 60% शेयर्स ने QIB के लिए रखे हैं। ओके, एंड 35% इन्होंने फिक्स इन्होंने रिटेल के लिए रखे हैं, एंड 15% इन्होंने रखे हैं, सॉरी 50% इन्होंने QIB के लिए, 15% नॉन इंस्टीट्यूशन, एंड 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रखे हैं। ओके, एम्प्लॉय कोटा कुछ है नहीं, और ऑलरेडी मैं आपको बताना चाहता हूँ 5 तारीख को ये यहाँ पर लिस्ट हो जाएगा, और उससे पहले आपको डिसाइड हो जाएगा कि आपको मिला है या नहीं मिला है, आई थिंक 2 या 3 तारीख को।
तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, इसके जो और भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि मार्केट में लिस्ट है ब्रोकिंग से, जैसे कि 10 पैसा, 5 पैसा.com, ICICI सिक्योरिटी, जियोजीत फाइनेंस सर्विसेज, IIFL सिक्योरिटी, मोतीलाल ओसवाल, ओके, JM फाइनेंस फाइनेंशियल्स, तो बहुत सारे ऑलरेडी लिस्टेड है। ओके, और मुझे नहीं लगता कि ये IPO भी कुछ खास कर पाएगा, क्योंकि IPO में इसमें कोई जान नहीं लग रही है। ऑलरेडी बहुत सारे IPO है, बट अगर हावी हो गए लोग और मार्केट में अगर कुछ क्रैश हुआ तो ये बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा आपको लिस्टिंग गेन, भी नहीं दे पाएगा जो मेरा मानना है। बट मार्केट में कुछ भी हो सकता है, अनसर्टेनिटी है, तो मैं इसके लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं इसमें नहीं करने वाला हूँ पार्टिसिपेट, एज वेल एज मैं कैंप्स में भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि कैंप्स में भी अगर हम करते भी है, अभी जैसे कि आपको पता है फंडामेंटल्स के साथ यहाँ चल नहीं रही है जो मार्केट है, तो इसमें भी कुछ जान मुझे कैंप्स में भी लग रही, बट कैंपकॉन के लिए मैं ऑलरेडी मैंने 2 लॉट्स ले लिए अलग अलग अकाउंट से, तो आप अलग अलग अकाउंट से लेंगे अलग अलग लोगों के अकाउंट से, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा आपको अगर मिल जाता है तो डेफिनेटली फ़ायदा हो जाएगा। इसके अलावा मैं और भी बातें करना चाहता हूँ ग्रे मार्केट से रिलेटेड, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कैमकॉन, कैमकॉन के लिए ग्रे मार्केट में 75% का इन्होंने प्रीमियम दे दिया है, और ये लिस्ट होगा तो 100% से भी ज़्यादा लिस्ट होगा, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, एंड कैम्प्स से रिलेटेड बातें बताऊँ तो कैम्प्स में केवल 28% दिखाया है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले तक 40 चल रहा था, 35 से 40, अब 28 हो गया है और धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि अभी तक ये फुल्ली सब्सक्राइब भी नहीं हुआ। एंजल ब्रोकिंग की बात की जाए तो 16% बता रहे हैं, और मुझे लगता है कि ये 2 4 दिन में देखना इसका ये परसेंटेज भी घट जाएगा। लिस्टिंग गेन मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता, बट अगर इतने से लिस्टिंग गेन के लिए आप अगर जा रहे हैं तो रिस्क रिवॉर्ड रेशो जो होता है, मैं आपको कहना चाहूँगा इतने से लिस्टिंग गेन के लिए आप रिस्क में ना पड़े, क्योंकि अगर 28% आपको अगर मिल गए तो अच्छी बात है, और नहीं मिले, 16% भी नहीं मिले और नहीं मिला, तो आपका वो नेगेटिव में चला जाएगा, और एंजल ब्रोकिंग के साथ जाना तो बेवकूफ़ी होगी। कैम्प्स के साथ फिर भी मैं कह दूंगा एक बार कि चले जाइए, क्योंकि कैम्प्स 20 अगर लिस्टिंग गेन नहीं देता तो 2 3 साल में जब आप लॉन्ग टर्म के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉफिट देगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड दोबारा से धीरे धीरे शुरू होगा और ये लोग उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये कैंप्स भी धीरे धीरे रेवेन्यू जनरेट करेगा और सेल्स भी होगी, एज वेल एज इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, तो ये काफ़ी बढ़ जाएगा, तो वो कैंप्स हो सकता है। और कैमकॉन की तो बात करना बेकार ही है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉफिट होना ही होना है, क्योंकि आजकल यही चीज़ चल रही है फार्मा एंड केमिकल्स, और तो यही ऑप्शंस है, तो कैमकॉन के लिए अगर जाएंगे आप लोग तो ठीक रहेगा, तो बाकी आपकी मर्जी है, ये मेरा खुद का ओपिनियन था इसके रिलेटेड, तो अब बाकी का आप देख लीजिए कि आपको क्या लगता है, क्योंकि मार्केट ने जिस तरीके से आज का रुख दिखाया है, ओके, कुछ दिनों से मैं ऑलरेडी आपको कह ही रहा हूँ कि किस तरीके के शेयर में रहना है। एक और मेरा वीडियो आगे आने वाला है, उसे भी देख लीजिएगा आज के दिन में ही, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है, इससे रिलेटेड हम और भी बातें हम करेंगे। तो दैट्स इट दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस चैनल हमारी इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिए, एज वेल एज हमारे इस चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ओके, एंड बेल आइकन को हिट करिए, ताकि इस तरीके की बेहतरीन वीडियो आपको सामने पेश करता हूँ। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।